में हम बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। मैं महापौर महोदया डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री श्री जावर सिंह खर्रा जी का आप स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन की कड़ी आप सभी के बीच में, सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। तो एक बार राजस्थान वाली जोरदार वाली तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मान रखा। और अब मैं अर्चना शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे बीच मंच पर उपस्थित डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी का स्वागत करें, जो कि शक्ति वंदन कार्यक्रम की सह संयोजिका हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से मिलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार जी उपायुक्त मानसरोवर से निवेदन करूंगी कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे चेयरमैनगण, सबसे पहला नाम इसी कड़ी में अभय पुरोहित जी का स्वागत करें। अभय पुरोहित जी, और हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। मुकेश जी से ही मेरा आग्रह कि वे भारती लखियानी जी का स्वागत करें। भारती जी, संदीप दादी जी उपायुक्त संगानेर एनुअलम, मेरा आग्रह कि वे हमारे बीच मंच पर रश्मि सैनी जी का स्वागत करें। अर्चना शर्मा जी का और रश्मि सैनी जी का स्वागत करें, दोनों चेयरमैन महोदय हमारे बीच उपस्थित। संदीप जी, अर्चना मैडम के स्वागत के लिए मेरा आग्रह। मैं गोपाल शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित पार्षद महोदय नवीन खटीक जी से नवीन खटीक जी का स्वागत करें। सरिता मैडम से मेरा आग्रह कि वे हमारे बीच मंच पर उपस्थित श्री शक्ति प्रकाश यादव जी का स्वागत करें। सरिता मैडम, धर्मिता मैडम से मेरा आग्रह कि वे मंच पर भानु शर्मा जी का स्वागत करें। पार्षद महोदय जय वशिष्ठ जी हमारे बीच इस मंच पर पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगी मुकेश जी से कि उनका स्वागत करें। और आज हम जहां पर मौजूद हैं, एसएफएस रेजिडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष श्री ललित चांदगोठिया जी, सचिव डॉक्टर राजेश जैन जी और संयोजक वार्ड 84 से राजकुमार गर्ग जी, मेरा निवेदन आप तीनों से कि आप आए और हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें और साथ ही महापौर महोदया का स्वागत करें। श्री झावर सिंह खर्रा जी का जन्म ग्राम भारणी श्री माधोपुर में हुआ। 1 अक्टूबर 1956 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, किसान नेता, सम्माननीय सर्वासी श्री हरलाल सिंह खर्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी भी राज्य सरकार के मंत्री के रूप में, मंत्री पद के रूप में उन्होंने विभिन्न पदों की शोभा बढ़ाई। आपकी माता जी भी पंचायत समिति की प्रधान रही और आप स्वयं भी 2 बार पंचायत प्रधान एवं जिला परिषद के सदस्य रहे। श्री माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी से आप 2 बार विधायक बने हैं और आज आप राजस्थान सरकार में शहरी विकास विभाग में स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे हैं, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी। आप सभी के बीच में ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी हमारे सभी पार्षदगण और चेयरमैनगण पूर्ण करते हुए, क्योंकि ये बहुमूल्य क्षण है हमारे बीच में और राजनीति के सुचिता भी आप कहे जाते हैं। राजनीति में लंबे समय से एक स्वच्छ छवि के साथ सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी श्री झावर सिंह खर्रा जी आज हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद सभी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। अभय पुरोहित जी स्वागत करते हुए हमारे बीच।
अभिनंदन है, वंदन है और आज का ये कार्यक्रम शक्ति बंधन है। शक्ति बंधन कार्यक्रम से हमारे बीच में आकाश जी पधारे हुए हैं। मैं आकाश जी से निवेदन करूंगी, आकाश जी कृपया मंच पर पधारें और मैं अभय जी से निवेदन करूंगी कि वे उनका स्वागत करें। आकाश जी से निवेदन कि वे मंच पर पधारें और अभय जी से मेरा निवेदन। आकाश जी अपना स्थान ग्रहण करें, पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति का उदाहरण आज हम सब ये जानते हैं कि हमारे बीच में हमारे भारत देश की, हमारे अपने देश की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार की वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी, राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी और हमारी महापौर महोदया डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी नारी शक्ति के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। अपूर्वा जी जो कि सहसंयोजिकाएं हैं और हमारी सभी चेयरमैन के रूप में हैं। तो नारी शक्ति आज कहीं भी किसी भी रूप में पीछे नहीं है, ना कभी पीछे थी ना कभी पीछे है। हाँ, एक जगह जरूर पीछे रहती है, किसी सफल पुरुष की कहानी के पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक नारी शक्ति होती है। तो नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां। और आज के समय में तो पुरुष शक्ति, हम हमारे प्रधानमंत्री महोदय को भी देख सकते हैं, हमारे कानून मंत्री महोदय को भी देख सकते हैं कि उन सब ने मिलकर के 27 सालों के हमारे सपने को नारी शक्ति अभिनंदन बंधन बिल को पास करके किया है। तो आज पुरुष शक्ति भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और आइएगा बिना किसी देरी के आप सभी का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी जयपुर नगर निगम गेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर मैम को कि वे आए और सभी का स्वागत करें। नमस्तु सभा सभाए, सर्वस्य स्वागतम, सर्वस्य हार्दिक अभिनंदनम। आज यहाँ नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में और विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में हमारे UDH के मिनिस्टर और यू कहूँ कि जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं और बहुत दृढ़ता के साथ में और बहुत एक नेक इरादे के साथ में अपना काम करते हैं। और उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट, लोग डिपार्टमेंट लेकर खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया, पर आदरणीय मंत्री जी के निर्देशन में उनके इसी कार्यकाल में ये नगर निगम और ये सारी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का एक पुराना जो चली आ रही परंपरा परिपाटी वो भी ठीक होगी। और आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर नगर निगम को सशक्त करने के लिए कार्य है, वो भी निरंतर होगा। और आप यहाँ पधारे, आपका बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन करती हूँ। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति वंदन एक बहुत अच्छी मुहिम है और जिसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की काफी संख्या के अंदर यहाँ नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको विकसित भारत की यात्रा के अंदर सफल बनाने के लिए, यात्रा को सफलीभूत करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हमारे इस अभियान की सह संयोजक हमारी अपूर्वा सिंह जी आज हमारे बीच में आई हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। और हमारे नगर निगम के चेयरमैनगण, सभी पार्षदगण और विशेष रूप से यहाँ विकास समिति या वार्ड 84 की नाथावत अंकल, और आप सभी इतने एक्टिव होकर लगातार इस जयपुर ग्रेटर के लिए काम करते हो कि हमें चिंता नहीं रहती है कि हमारे काम को पीछे से देखने के लिए, फीडबैक देने के लिए कोई आवश्यकता पड़ेगी क्या। समय समय पर आप हमें निगम आकर भी और यहाँ जब भी मिलते हो आप सुझाव भी बताते हो कैसे शहर के बेटरमेंट के लिए काम हमें करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ शक्ति वंदन के लिए हमारी स्वयं सहायता समूह के NGO और SSG की जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, वो यहाँ उपस्थित है। और हमारी मंच संचालिका प्रीति ने बताया कि जहाँ देश की राष्ट्रपति महिला है, जहाँ हमारे देश की वित्त मंत्री महिला है और जिस तरह हमारे राजस्थान की वित्त मंत्री महिला है, और वो इसीलिए है क्योंकि देश का नेतृत्व मजबूत है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। अब अपनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आई हुई हैं, उनको भी कहना चाहती हूँ कि अब आप निश्चिंत हो जाइए। और कल ही हमारा जो लेखानुदान जो बजट है, उस बजट के अंदर भी 5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है, वो भी जल्दी ही पूरा होगा। क्योंकि हम महिलाएं, नारी शक्ति, और नारी शक्ति की कहानी में दो एक कविता के माध्यम से बताती हूँ कि संघर्ष भरा जीवन मेरा, हम सब का
संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं। जब रात हो काली, जब रात हो काली, तो समझो होने वाली है शुभ दिवाली। जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अटल रखना होगा। 100 बार गिरो फिर भी उठना, लक्ष्य भेद तभी होगा। है अग्निपथ सा ये जीवन, है अग्निपथ सा ये जीवन, तो निर्भीक निडर होकर इस पर चल। चरण पखारेगी मंजिल, निश्चित होगी तेरी विजय। परचम तू ही लहराएगी, हो एकाग्र बस। चलती चल, बस चलती चल, बस चलती चल। और इस चलने के अंदर आपको, हम सबको पंख दिए हैं, हम सबको उड़ान, हम सबको अगर सहारा वायुयान अगर दिया है, तो वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन, हमारे देश की नई संसद, नई संसद का पहला जो बिल लेकर आए वो है नारी शक्ति वंदन। क्योंकि हमारे देश की विचारधारा है, यात्रा नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, नई संसद में नारियों की पूजा के लिए, नारियों के उत्थान के लिए इतना नेक बिल पारित किया गया है, तो वो नई संसद हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए उसमें लिया हुआ। उसके बाद में आप देखिए लगातार जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो विकसित भारत के लिए लिए जा रहे हैं, समृद्ध भारत के लिए लिए जा रहे हैं। और उस पथ में, उस मार्ग में हम सबको चलना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज आपको यहाँ सबको बुलाकर सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों के अंदर किसी ने नहीं सोचा, पिछले 5 सालों में हमारे स्वयं सहायता समूहों की बहनें क्या कर रही है, किस हालात में है, हमारे एनजीओज इतना लगातार मेहनत करते हैं, आप लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, आप लोग इतने अच्छे और काम कर रहे हो, और उस काम को दिखाने के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। हमारे यूडीएच के मिनिस्टर आदरणीय जावर सिंह खरा साहब ने आपके कार्य को दिखाने के लिए, आपको उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए एक ये नेक उद्देश्य के साथ में सम्मान का कार्य हमने शुरू किया है। और इस सम्मान के अंदर आप सबका बहुत बहुत सम्मान। और आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि हमने जब नारी शक्ति वंदन, अपूर्वा जी ने बात करी और विजया ताई ने बताया, तो हमने कहा जब नारी शक्ति का यहाँ सम्मान हो रहा है, तो नगर निगम ग्रेटर जयपुर, मार्च का महीना जो है वो महिला दिवस के रूप में होता है, 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मार्च का महीना महिला सशक्तिकरण। वह आप सबकी मेहनत की कमाई का हिस्सा है, और इसलिए जिस मंशा के साथ ये कैंप लग रहा है, उस मंशा को पूरा करने के लिए जितने भी काउंटर लगे, जहां भी आपकी रुचि उस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसके पात्र लोगों को ढूंढकर उसका लाभ। तीसरा, मैं शक्तिवंदन वाली महिलाओं से भी, जो जितनी समय सहायता समूह लाती हैं, उनसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा, मेहनत करोगे, समय सहायता समूह के रूप में वाले मिलने वाले पैसे का सही सदुपयोग करके उससे उत्पादकता बढ़ाओगे, उत्पादकता बढ़ेगी तो आपको निरंतर आय बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। और अगर ये सोच लिया कि समूह को ये पैसा मिला है, घरेलू कार्य के लिए आपस में बांट कर एक बार काम चला लेते हैं और धीरे धीरे मजदूरी करके इस पैसे को वापस चुका देंगे, तो ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में महिलाओं की सामूहिक शक्ति, जिसे आजकल हम समय सहायता समूह का नाम देते हैं, सर्वाधिक सफल प्रयोग 50 साल पहले बंबई में शुरू हुआ। वहां की कुछ संपन्न वर्ग की महिलाएं अपने घर में, उनके घर में कोई बाई रसोई का काम करने आती थी, कोई पोछा लगाने आती थी, उनकी दयनीय स्थिति, आर्थिक स्थितियां देख देख कर उनके मन में विचार आया कि इनके पास सुबह शाम हमारे घर में काम करने के अलावा 5-7 घंटे का अतिरिक्त समय रहता है जिसका सदुपयोग नहीं करती। और उन 20 महिलाओं ने मिलकर 1,000 रुपये उस जमाने में इकट्ठे करके और पापड़ और मंगोड़ी का काम शुरू करवाने के लिए अपने मोहल्ले की जितनी भी बाइयां, जिसको बॉम्बे में बाइयां बोलते हैं, घरेलू काम करने वाली, उनको कहा भाई सामग्री कच्ची हम दे देंगे, इसको साफ सफाई के साथ आप पापड़ और मंगोड़ी बनाकर हमको वापस दे दो, क्योंकि हर घर में
इनका उपयोग होता था, इससे बेच के आपकी बाजार से हम लाते हैं उस कीमत में, और हमने जो माल खरीदा बीच का जो अंतर है वो मुनाफे के रूप में हम आपको भुगतान कर दिया करेंगे। और आज पूरी दुनिया में लिज्जत ब्रांड एक अपना विशेष स्थान बना चुका है। और व्यक्ति के परिश्रम की बात करो आप, तो फिर मैं आपको 50-55 साल पुराने दौर में ले जाना चाहूंगा। जब अहमदाबाद का एक व्यक्ति पुराने जमाने में कास्टिक सोडे का पाउडर बनाकर साइकिल पर लादकर गांव गांव गली गली में घूमकर बेचा करता था, उसने उसका बाद में नाम दिया, ब्रांड नाम पता आपको, निर्मा। और आज साइकिल पर गांव गांव गली गली घूमकर बेच कास्टिक सोडे का वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने वाली वो शख्सियत लाखों करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली शख्सियत के रूप में तब्दील हो। इसलिए व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय के साथ कोई संकल्प ले ले और उसके लिए पूर्ण अनुशासन और परिश्रम के साथ काम करे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक पाती। इसलिए आज के इस अवसर पर मेरा निवेदन जो मैंने आपसे किए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी आपको समय मिले 10 मिनट घर में एकांत में बैठकर केवल एक चिंतन कर लेना,